रोडवेज कर्मचारी के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो ये आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हो ये हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हो कि कल को जब रोडवेज की बसें ही नहीं होंगी तो बच्चे नौकरी कहाँ पाएंगी। सरकार ने जो निजीकरण की नीति अपना रखी है ये हमारे बच्चों के हित के लिए अपना रखी है। आज इसी अन्याय के खिलाफ हम आपका साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य रहा है, जहाँ कहीं भी अन्याय होगा हम उस अन्याय के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाएंगे और सरकार के घुटने टेकने का काम करेंगे। आज जो रोडवेज कर्मचारी संघ के साथ अन्याय सरकार कर रही है ये कर्मचारी संघ के साथ अन्याय ना करके पूरे हरियाणा के साथ अन्याय कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज के 80 लाख अनुयायी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप लोगों को जहां भी हमारे समर्थन की जरूरत पड़ेगी तन से मन से और धन से हम आपसे पहले खड़े होंगे। जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे, जहां धन की जरूरत होगी वहां धन देंगे और आपसे पहले देंगे। और मेरा आखिरी में आपसे यही अनुरोध है, जहां आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे वहां हम आपको खड़े मिलेंगे। और बड़े बुजुर्ग बैठे हमारे बीच में, वो जैसा उचित निर्णय करेंगे हम आपके साथ हैं। जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपका पूरा पूरा समर्थन करते हैं और आगे भी आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक सरकार के घुटने ना टेक दे, चाहे वो वोट के लिए अच्छे हो या इस हड़ताल के लिए अच्छे हो। इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने में हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद जी।